हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है ममता और मैं हूँ उत्तराखंड से। तो आज का वीडियो है कि मेरे गार्डन में, मेरे प्लांटर्स में मैंने कौन कौन से फूल लगाए हुए हैं, आज मैं वो सब आपको दिखाऊंगी और साथ में उनके नाम भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कैलेंडुला प्लांट के साथ। ये देखिए, ये मेरी न्यू परचेज है, ये नया ख़रीदा है मैंने। तो ये ब्राउनिश और येलो कलर में मिक्स है और इसमें कुछ बर्ड्स भी आई हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये एक प्लांट जो मेरी गार्डन में है, इसका नाम है कैलेंडुला। तो फ्रेंड्स, अगला प्लांट जो मेरे पास है फूल का, वो है साल्विया का प्लांट। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक रोज़ की कटिंग लगाई हुई है। और अगर हम नीचे की रो में आ जाएँ तो इधर मेरे पास सॉन्ग ऑफ इंडिया है और उसके साथ मैंने रोज़ की कुछ कटिंग्स लगाई हैं। इधर नेस्ट्रिजियम लगाया हुआ है इस वाले प्लांटर में मैंने, और उसके साथ में है गुड़हल। ये एक बार इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और दोबारा से इसमें देखिए नई नई कलियाँ आ रही हैं। अगला प्लांट जो मेरे पास है वो है बिगोनिया का प्लांट। ये भी मैंने नया ही ख़रीदा है, तो इसमें अभी ये देखिए फूल खिलने की तैयारी हो रही है। और इधर एक प्लांटर में मैंने पर्पल हार्ट प्लांट लगाया हुआ है। इधर फिर क्रोटोन की एक वैरायटी लगाई हुई है और उसके साथ मैंने थोड़ा सा धनिया और रोज़ की कटिंग लगाई हुई है। ये देखिए, एक नया प्लांट लिया मैंने स्ट्रॉबेरी का, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसमें वाइट कलर का एक फूल आया हुआ है। तो ये स्ट्रॉबेरी की अब मेरे पास तीन प्लांट हो गए, एक ये और दो मैंने पहले लिए हुए थे, ये देखिए वो मैंने इसमें लगाए हुए हैं। मल्चिंग की हुई है ताकि इसमें पानी के टच में आके ये ख़राब ना हो। फिर इधर एक अगले प्लांट पर प्लांटर में मैंने कोलियस का प्लांट लगाया हुआ है। फिर इधर आप देख सकते हैं, ये है सरफीना पिटूनिया का एक प्लांट और इसके साथ मैंने रोज़ लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर इधर फिर से पर्पल हार्ट की छोटी सी कटिंग मैंने लगाई हुई है। और इसके बगल में ये देखिए, ये आइवरी और उसके साथ मैंने मनी प्लांट की एक वैरायटी लगाई है। तो फिर इसी रो में हम फिर से ऊपर चले फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अपराजिता का पेड़, जिसे ब्लू बटरफ्लाई पी भी बोला जाता है। तो इसके साथ मैंने इधर लगाया है टेकोमा का एक पेड़, जिसमें येलो कलर की फ्लावरिंग होगी, जैसा कि आपको पता है। तो इधर ये तुलसी का प्लांट है जो लगभग सूख गया है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि कभी ये थोड़ा सही हो जाए। इसमें थोड़ा सा मैंने गुड़ाई भी करी हुई है, धूप में भी रखा, लेकिन क्योंकि हमारे वहाँ मौसम हर दूसरे दिन बारिश हो जा रही है, तो इस वजह से पौधों को ज़्यादा धूप नहीं मिल पा रही है। तो फ्रेंड्स, अगला प्लांट जो हम देखते हैं वो है ये अरीका पाम। अरीका पाम के साथ ही मैंने कैलेंजो भी लगाया हुआ है, इधर देख सकते हैं आप। फिर अगला इधर एक है क्रेशुला का प्लांट, जिस ये जो है ये सैक्यूलेंट की ही एक वैरायटी है फ्रेंड्स। और फिर ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा सा प्लांट, ये है आपका ड्रैगन फ्लावर का प्लांट। और इसी के साथ मैंने इधर पारिजात का पेड़ भी लगाया हुआ है और इधर मैंने मीठी नीम का पेड़ लगाया हुआ है। फिर इसमें इस वाले में मैंने गुलदाउदी की प्लांट लगा रखे हैं छोटे से। ये फिर इधर क्रोटोन की वैरायटी और ये इधर आपको दिख रहा है फिर से गुड़हल का एक पेड़। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये वाले प्लांटर्स और प्लांट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो इधर देखिए, फिर ये सैक्यूलेंट की एक वैरायटी है जिसको बोलते हैं सीडम। तो सीडम के बगल में है इधर फिर कैलेंडुला की एक वैरायटी मैंने रखी हुई है, ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का कैलेंडुला है। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका, ये एक पेड़ ये है एक्जोरा का प्लांट। फिर इधर कैलेंडुला के बगल में उधर मैंने जाफरी लगाई हुई है, देखिए यहाँ पे जाफरी दिख रही होगी आपको। फिर ये इधर एक रोज़ का प्लांट है, इसमें पिंक कलर के रोज़ आते हैं। और फिर ये एक और प्लांट है रोज़ का, इसमें भी पिंक कलर का फ्लावर आता है। फिर इधर मैंने रखा हुआ है मनी प्लांट। फिर इधर मैंने एक नया रोज़ लिया था, उसका प्लांटर रखा हुआ है। इसके साथ मैंने इधर बोगनविलिया का और इसमें रोज़, कोलियस, बहुत सी चीज़ें लगाई हुई हैं। फिर इधर देखिए, ये मैंने फिर से इधर एलोवेरा लगाया हुआ है। एलोवेरा के बगल में इधर स्पाइडर प्लांट रखा हुआ है। और फिर इधर मैंने गुलदाउदी, और गुलदाउदी के साथ ही यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है डहेलिया की छोटी वैरायटी। इसके साथ ही इसके नीचे वाली रो में अगर हम आ जाएँ तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने
लगाया हुआ है गुड़हल का एक पेड़, साथ में रोज़ और उसके साथ कोलियस, वंडरिंग ज्यू और इधर मैंने ड्रेसीना का प्लांट लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। फिर नीचे देखिए इधर इसके बगल में इधर मैंने कोलियस की एक वैरायटी लगाई हुई है। इधर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पोर्चुला का एक प्लांट लगाया हुआ है। फिर फ्रेंड्स इधर मैंने यहाँ देखिए ये जेरेनियम लगाया हुआ है, जेरेनियम के ही साथ में मैंने मोगरा लगाया हुआ है और एक बेला की कटिंग लगाई हुई है। इधर फिर गजानिया के साथ इधर ये देखिए आप वर्बीना का प्लांट लगाया हुआ है मैंने साथ में, और इधर आप देख सकते हैं मनी प्लांट का एक पेड़ लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे इंडोर प्लांट्स जो मैंने अपने गार्डन में अंदर साइड रखे हुए हैं। तो आगे मैं आपको अपने जो मैंने बाहर की साइड प्लांट रखे हुए हैं घर के बाहर साइड, वो प्लांट्स मैं आपको दिखाऊंगी और उनके नाम भी बताऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स रखे हुए हैं, कौन कौन से फूल रखे हैं। तो फिर फ्रेंड्स आज का वीडियो था यहीं पर तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।